यार बॉयज ट्रिप हो और लड़कों के बीच में लड़ाई ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो मेरे और रोहित के बीच में लड़ाई हुई, इसकी भी एक अलग कहानी है जो आप आगे के ब्लॉग में, मतलब आगे के ब्लॉग में नहीं, इसी ब्लॉग में आगे आप देखेंगे कि लड़ाई हुई क्यों। तो ख्वातीनों हजरात, हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन धनौल्टी। एंड काफ़ी लेट हो गया था पहुँचते पहुँचते, 1-2 बज गया था। तो फिर फ्रेश फ्रेश होने के बाद हम लंच के लिए बैठे, लंच किया, लंच के बाद थोड़ी सी बकर करी। फिर उसके बाद हम उस दिन जाने वाले थे टेरी डैम, बट थोड़ा सा लेट भी हो रहा था तो वही सोच रहे थे जाएँ कि नहीं जाएँ। मेनली हम सनसेट के लिए जाने वाले थे, बट आप आके खुद देख लें कि हम गए कि नहीं गए। अरे बाबा, कहाँ है खाना? ये लगा हुआ है। ठंड तो है भयंकर एकदम, रखे रखे चप्पलें ठंडी हो जाती हैं। करो ना। ऐसे नाक में लगा के देखो, नाक के बाल जलेंगे। बहुत सही जलता है। दूसरे से टोचन करना पड़ेगा। वाह, वेल डन। इसमें वो वाला डालूंगा मैं। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। बहुत ठंडी चल रही है यार, बहुत भयंकर ठंडी। अभी ठंड में करी ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन होम न्यूट्रिक्स। मेरी दादी कहती आमिर खान। क्या आमिर खान? ओमिक्रॉन। चलो बॉयज, चल लेंगे यार। ज्यादा खा लिया यार, ज्यादा खा लिया। और मतलब मजा से नहीं आया खाने में, दाल भी ऐसी सी थी। ऐसी सी थी। आजा भाई। आ गया। तो अभी लंच वंच तो हो गया है, अभी जा रहे हैं टेहरी लेक। यहाँ से है अराउंड 30-35 किलोमीटर आई थिंक। देखो सनसेट के लिए जा रहे हैं, मिलता है कि नहीं। ऐसा मिल जाएगा, उम्मीद तो है। धूप में दम ही नहीं है। धूप में दम नहीं है। कहाँ से होगा भाई, इतनी भयंकर ठंड पड़ी है। क्या ट्रक टाइप मोड़ना है यार, एक फिर से मोड़ना। GPS में लगा ले। यार क्या है यार नाटक। ब्लॉग के लिए दोबारा हेलो बोल ले, यूज़ कर देना यूज़। बस थोड़ा सा पीछे लोगे, इतने ऊपर तो ना जा पाएंगे सनसेट देखने। होटल से ही देख लेंगे। केबल कार होनी चाहिए। क्या भरोसा नहीं है।
का लाल दिखा रहा है यार। माता के दर्शन करने काफी दूर जाना पड़ता है यार, माता बहुत दूर है यार। दूर तो है वैसे। ये सारे फेमस स्पॉट्स इतनी पहुंचने मुश्किल क्यों बनाते हैं? ताकि पक्के श्रद्धालु ही जा सके। देखो जीप कंपास वाली आंटी ट्रैफिक क्लियर करवाने की कोशिश कर रही हैं। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा, तो मैं धीरे धीरे पता चलेगा। कोई भाव नहीं दे रहा उन्हें। देखो पुलिस वाले अंकल गए, वो क्लियर कराएंगे। बना रहे हैं जगह, बना रहे हैं। सही बात तो है यार, हम रॉन्ग साइड में लगाए खड़े हैं, अपनी लेन में खड़े रहे। ऐसे ही कहते हैं, ऐसे कहते हैं। ये सब तो सुन ना, छोटो छोटो नहीं चिट्टू, चिट्टू एक 10 वाली फ्रूटी ले ले मेरे लिए। फ्रूटी पिएगा? फ्रूटी अब एक काम करना, से आड़ी करके निकाल ले गाड़ी ऐसे करके। क्या दिखा रहे? क्या कहा, क्या पड़ा है? अबे यार नेट ही नहीं चल रहा। दे दिया, पकड़ो। वो भी क्या कनेक्ट? हाँ क्या? आज हमारे प्रिय मित्र शैलू हमारे बीच नहीं रहे, बट अच्छा नहीं किया शैलू भाई तूने। ओम शांति। ये कैसे हुआ नीरज? अरे कुछ नहीं, दोनों भी दोनों भाई आपस में गजक के पीछे लड़ गए। गोली मार दी यार। इस रियल है? और क्या भाई, मथुरा का है क्या? मथुरा का गजक का? नहीं अरे भाई साहब। यार यही बस देखना रह गया था नए साल में। क्या हुआ? रोटी पीते पीते अरे भाई चढ़ा देगा क्या? भैया आप कह रहे हो रोक लो, वो कह रहे चल लो। जीप कंपास वाली आंटी ने बनवाई दी जगह। चलो 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 चलो। तो भैया आपने देखा कितना ट्रैफिक है, एंड इसी ट्रैफिक के चलते हम काफ़ी लेट हो गए। हम ऑलमोस्ट 45 मिनट्स वहाँ पे खड़े थे, एंड फिर काफ़ी लेट हो रहा था। 3:30 तो आई थिंक हो ही रहा होगा। तो फिर हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। फिर हम उस दिन टेरी डैम नहीं गए, क्योंकि आते में काफ़ी फिर अंधेरा रात ही हो जाती, एंड फिर रात में पहाड़ों में ड्राइव करना थोड़ा सा सेफ नहीं रहता है। तो फिर उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना प्लान चेंज किया, एंड हम गए दूसरी जगह। दूसरी जगह हम कहाँ गए वो आप खुद देख लें। तो भैया अभी हम ढूँढ रहे हैं रास्ता ईको पार्क का। मेन ईको पार्क में तो भीड़ होगी, तो को पार्क के पिछवाड़े से एंटर होने का सोच रहे हैं, बट रास्ता है नहीं। तो अब चलेंगे वापस, मेन रास्ता वहीं से चलेंगे। अरे यार फालतू पत्ती हो गई। नहीं है रास्ता वहां से। अरे भाई ऐसा लग रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लिया है कि भयंकर मस्त एकदम ऑक्सीजन आ रही है ना। तो धनौल्टी में हम गए ईको पार्क। ईको पार्क दो है वहाँ पे, एक फर्स्ट है एक सेकंड है। फर्स्ट पार्क करने के बाद सेकंड आता है, तो सेकंड थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, और वहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा है। जो व्यू भी आगे आप देखेंगे, तो वहाँ पर हम गए, वहाँ पर हम थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाई। फिर उसके बाद हम गए ऊपर, जो मेन व्यू पॉइंट था वहाँ का, और वहाँ पे एक मैगी पॉइंट था, वहाँ की अलग कहानी है। भाई साहब पाइन ट्रीज देख रहे हो आप? अभी आए हैं हम लोग इको पार्क, एंड यहाँ पे थोड़ा अपन फोटो सेशन कराएंगे बस। वाइड एंगल से लुक क्या? नहीं नहीं वाइड एंगल करा मैं मेरा।
अरे चेंज करवाया था ना फाइट, लेकिन लेंस ही चेंज करा लिया तूने। वाह यार, श्योर श्योर। चिट्टू भाई अपना फोटो शूट कराते हुए, लोकेशन का फुल उपयोग करते हुए, चिट्टू शर्मा फ्रॉम ग्वालियर। वाह यार, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। कि हम वापस नहीं आ पाएंगे, गिम्बल उठा लेना। मैं भाई साहब हमेशा गिम्बल भूल जाते हैं, झाड़ियों में छुपा के रखते हैं, गमले के पीछे भी छुपा देते हैं। साला इतनी सकरी जगह बनाई है, घुस ही ना पाए भाई। मुझे बाप रे, ओहो हो, क्या ठंडी हवा चल रही है। अरे रे रे रे, सारे व्यू तो भाई पैसे के हैं, नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, सारे पैसे तो व्यू के हैं। सीढ़ीदार खेत, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेप फार्मिंग। यूट्यूब चैनल पूछ रहे थे आपका है, अच्छा बता दिए। फेमस हो गए आप, हैं फेमस हो आप? अरे नहीं यार, इतना हो जाओगे, थोड़ा हो जाएंगे, वो बात अलग है, अभी तो नहीं है। ठीक तो है, वाइल्ड लाइफ वाले में तो काफ़ी अच्छा है। अभी बजे हैं आई थिंक 4। भाभी क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष, क्या बात है। शॉप का नाम क्या है? शॉप का नाम मैगी पॉइंट। मैगी पॉइंट, वाह। कहाँ पे? धनोल्टी। धनोल्टी में कहाँ पे? धनोल्टी इको पार्क में। इको पार्क, दो इको पार्क है ना, ये दूसरे वाले में अमर में। अच्छा, ओके। धनोल्टी इको पार्क में गए तो मनीष भाई से मिले। बिल्कुल, मिले। ये शादी एवं पार्टी के ऑर्डर से तो मैगी वाले भैया से तो हमने अपना चैनल सब्सक्राइब करा ही लिया था, दोनों चैनल सब्सक्राइब करा लिए, एक मेन चैनल है एक व्लॉगिंग चैनल। तो मैंने सोचा एक इनका भी एक बी रोल बना दें, तो ये भी भाई साहब व्लॉग में आ जाएंगे। तो ये प्रस्तुत करते हैं मैगी बॉयज। नहीं भाई, पारिवारिक ब्लॉग बनाता हूँ मैं। पारिवारिक तो बनाता है। उसकी पारिवारिक लड़ाई हुई, पर वो लौंडा बहुत आ रहा था। पारिवारिक लड़ाई हुई थी, पारिवारिक लड़ाई थी। नहीं, पर वो जो लौंडा था ना जिनसे। तो भैया मैगी वाले भैया की बात को मद्देनजर रखते हुए हमने एक ये छोटा सा मजाक किया था आपके साथ। मेरी और रोहित की कोई लड़ाई नहीं हुई, ये खाली बस हमने एक पब्लिसिटी स्टंट किया ताकि इसमें थंबनेल लगाऊंगा रोहित से हुई लड़ाई, और ऐसे थंबनेल ऐसा धक्का देने वाला। उठा लूं क्या? क्या नहीं, हाथ टूटा है ऐसे धक्का धक्का देने वाला, तो मेरे को धक्का देना है। अबे आराम से, आराम से हो गया। ए यार तू, यार नहीं हो पाएगा, वीडियो बंद कर दिया यार। नहीं नहीं, आ गया था भाई, स्लो मोशन में। एंड देयर आर फ्यू थिंग्स जो आपको नहीं करनी चाहिए जब आप विंटर में बहुत अच्छा एक कोट पहने हो,
तो मत करें आप ऐसी चीज। क्यों किया मैंने ये मुझे भी नहीं पता। आई डोंट नो आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, बट ये एक अलग लेयर एटमॉस्फेयर की जो सनसेट पॉइंट में दिख रही है, ये नंबर। पहचान गई है कल वो उसके काजी के पॉडकास्ट से मेरे को एक वो वर्ड बहुत अच्छा जुबान पर लग गया। क्या? उसे बातचीत, उसे सलाम दुआ है, बातचीत नहीं है। बहुत गहरी बात कह दी है इन्होंने। अभी ये फैन का वैसे है कि तुझे जानता है नहीं मेरी सलाम दुआ है क्या इनका? नहीं नहीं ये क्या चल रहा है, ये कैसा पूछ रहा है? रास्ता रोक के बैठ गए बंदर, जाएं कैसे? कर रहे बैठ के ऊपर चले। तंदूरी नाइट्स, हाँ फरान भी आएगा और चिट्टू भी आएगा साथ में। गोल्डन आवर बस हो ही रहा है, वेट कर रहे हैं सनसेट का। आई थिंक आधा घंटा और उसके बाद सनसेट होगा, फिर थोड़ी बहुत और फोटोज खींचते हैं चलते हैं वापस। ठंड बहुत हो जाएगी भाई, बहुत भयंकर। पब्लिक भी आ गई है, देखना कितना गंदा है। थाक धब्बे पड़ रहे हैं। वेल डन। क्या सही सनसेट हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ा ऑरेंजिश टोन आ जाएगा तब तो। हाँ 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 हाँ, अभी ये होराइज़न नीचे जाएगा ना। हाँ भाई साहब, सारे पैसे थे पैसे उसी के हैं यार। भाई साहब इसी के लिए वेट कर रहे थे। सनसेट फाइनली, इतना वेट करने के बाद भाई रोहित हाथ ठंडे हो रहे हैं, बहुत भयंकर ठंडे हो गए, भी आत्मा ठंडी हो जाएगी। चलते हैं भाई, हो गया। बहुत कठिन सनसेट है भाई। क्या हो गया ये? क्या हो गया यार ये? बहुत भयंकर हो गया भैया, काफी टाइम बाद इतना अच्छा सनसेट देखा भाई। ये हो क्या रहा है? कहीं तो हो रहा होगा, कहीं से तो निकल रहा होगा। कुछ वो तो नहीं है क्या? है ये है सनसेट प्रो मैक्स। छुप गया बस, लास्ट का बचा है सनसेट आइस पैक, जाने वाला है बस ये। एक दो तीन, गजब यार, एक नंबर। क्या ठंडा ये, क्या ठंडा, एकदम सनसेट होते ही ठंड बढ़ गई भाई, बहुत भयंकर।
सनसेट तो वैसे मैंने बहुत देखे हैं, पर ये सनसेट अभी तक के सबसे खूबसूरत सनसेट में से एक था। एक अलग ही सुकून और शांति थी वहाँ। मन तो किया कि और वक्त गुजारे वहाँ अपने दोस्तों के साथ, बैठ के पहाड़ों में ढलते सूरज को देखें, बट ठंड भाई साहब इतनी भयंकर हो रही थी ना, हाथ पैर खून सब ठंडा पड़ता जा रहा था। बस ज़्यादा देर रुकते तो ख़त्म ही थी कहानी। तो उसके बाद हम निकल पड़े वापस अपने रिसॉर्ट की तरफ। कंटेंट भाई साहब बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है। अरे बाप रे, नाक हाथ सब ठंडा पड़ गया भाई। सुन ठंडा बहुत ज्यादा। अरे भाई साहब यार, वर्थ था वेट करना इतना। इतने दिन के बाद तो प्यारा सनसेट देखा है। वहीं जाके बोल पाएंगे ना, नेटवर्क कहाँ आ रहा है। चले चिट्टू कहाँ गया? चिट्टू गया। चलो हाँ गाइस, वो कैसा रहा सनसेट? बॉयज ट्रिप कैसी चल रही है? ऐसा संकेत देखने वाले ना, बहुत टाइम के बाद देखा यार। माय आंसर इज आल्सो सेम। माय आंसर वेल डन। वेल वेल डन। क्यों ये वाली या फिर ये वाली? पहले ये वाली। कितना अभी? 1 डिग्री और अभी बजे हैं 6:50। रात में जाएगा -1। भयंकर। भैया चला दिए? बहुत बढ़िया, भैया ने लगा दिए बढ़िया आग। अब बैठेंगे आग में। भाई साहब अंदर तो बैठा ही नहीं जा रहा यार, बहुत ज़्यादा ठंडा है। आग के पास ही ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है। ठंड है भाई, बहुत भयंकर शीत लहर का कहर। ओह चिट्टू इन द हाउस। वो देखी तुमने? आरा। अच्छा अभी तो रिलीज ही नहीं हुई ना। ऐसा हाथ सेकोगे? आ गया, जगह बनाओ। ठंड में ठंडी कोक। तो एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट देखने के बाद हम पहुंचे रिसॉर्ट एंड वहां हमने किया फिर डिनर। डिनर के बाद थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद हम बैठे बॉनफायर पे एंड हमने काफ़ी बातें की। और इसी बातों में कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स गोइंग टू बी एन ऑसम ट्रिप।